हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज मैं आपको टॉम क्रूज की बहुत ही स्पेशल मूवी द लास्ट समुराई एक्सप्लेन करूंगा, जिसे आईएमडीबी पर 7.7 की रेटिंग है, पर अगर मेरी माने तो ये डेफिनेटली 8 से ज्यादा की रेटिंग डिजर्व करता है। इस मूवी ने करीब $500 मिलियन की कमाई की और इसे अपने एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्टिंग, विजुअल्स, कॉस्ट्यूम्स और मूवी में अपने संदेश के लिए क्रिटिक्स से काफी सराहना मिली। मूवी ने 4 एकेडमी, 3 गोल्डन ग्लोब और 2 नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यूज अवार्ड भी जीते। ये मूवी लाइफ के काफी सारे पहलुओं को छूता है, जैसे युद्ध से कैसे किसी का भी भला नहीं होता, चाहे उसमें दुश्मन के या अपने ही लोग मारे जाए। कैसे पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के शौक में हम अपने इतिहास और संस्कृति को भूल गए हैं, और कैसे दो लोगों में एक खूबसूरत रिश्ता भी हो सकता है बिना किसी वल्गर न्यूडिटी या सेक्स के। ये मूवी जापान के 1877 में सत्सुमा में हुए एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जहां साइगो टाकामोरी की लड़ाई पश्चिमी सभ्यता के साथ दर्शाया है। मूवी के लीडिंग रोल में है सभी के फेवरेट टॉम क्रूज एज नेथन एलग्रिन, कैन वेटानाबे एज लॉर्ड कत्सुमोटो, कोयुकी काटो एज टाका, शिन कोयामाडा एज नोबू ताड़ा, टोनी गोल्डविन एज लूटनेंट कॉलोनल बैगली, मसाटो हारडा एज मिस्टर ओमुरा और टिमोथी स्पेल एज साइमन ग्रैम। मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर से विनंती करूंगा कि प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें, मैं सभी के रिक्वेस्ट धीरे धीरे पोस्ट करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मूवी के बैकग्राउंड से। बीस साल पहले जापान अपने पूर्वजों की सभ्यता को काफी माना जाता था, जहां लोग एक साधारण जिंदगी खुशहाली से जीते थे। पर अब यंग एम्परर मेजी ने अपने सदस्य उमुरा के सलाह पर जापान को पश्चिमी सभ्यता की चीजों से जोड़ दिया, जैसे फ्रांस से वकील, जर्मनी से इंजीनियर्स, हॉलैंड के आर्किटेक्ट्स और योद्धा फ्रॉम यूएस। पर वहीं आज भी कुछ लोग हैं जो पुराने सभ्यता पर विश्वास नहीं रखते। जापान के समुराई उन लोगों में से है जो सरल जिंदगी में विश्वास रखते हैं। उनके हिसाब से पश्चिमी सभ्यता जापान के पूर्व संस्कृति के लिए हानिकारक है। वे युद्ध में पश्चिमी आधुनिक हथियार का प्रयोग भी अपने लिए अपमानजनक मानते हैं। ओमुरा एक इंडस्ट्रियल परिवार से होता है, जिसे खास करके समुराई से सख्त नफरत होती है, क्योंकि पुराने समुराई वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ थे। वो एम्परर मेजी का चीफ एडवाइजर बन जाता है और उनकी युवा होने का फायदा उठाते हुए उन्हें अपने वेस्टर्नाइजेशन की सलाह पर गुमराह करता है। कत्सुमोटो एक कवि और समुराई का लीडर होता है, जो कभी एम्परर मेजी का सबसे भरोसेमंद टीचर रहा करता था, पर वो ओमुरा के मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म पॉलिसी से खुश नहीं रहता, इसलिए ओमुरा के शाही आर्मी के खिलाफ विरोध का ऐलान करता है। एक तरह से ये जंग होता है एंशियंट वर्सेस मॉडर्न एरा के बीच। एलग्रिन एक अमेरिकन आर्मी कैप्टन था, जो सिविल और अमेरिकन इंडियन वॉर की लड़ाई लड़ चुका था, और अपने एक युद्ध के दौरान बेगुनाह गांव के लोगों को अपने सीनियर के आज्ञा पर उन पर हमला करता है, इसीलिए उन्हें मारने के पछतावे में दारू के नशे में हमेशा परेशान रहने लगता है। अपने शराब के नशे के कारण उसे आर्मी के सर्विस से निकाल दिया जाता है और इसीलिए गुजारा करने के लिए मजबूरी में अपने युद्ध में उपयोग किए बंदूक का महत्व लोगों को बताता है एक गन कंपनी के लिए, ताकि वो कंपनी लोगों को गन बेच सके। मूवी की कहानी एक्चुअली में साइमन ग्रहम बता रहा होता है, एक लास्ट सर्वाइविंग समुराई के बारे में। साइमन ग्रहम के बारे में हमें आगे पता चलेगा। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे सीन के साथ, जहां कत्सुमोटो को ध्यान करते वक्त एक विजन आता है, एक योद्धा का जो अपने आखिरी समय तक लड़ता रहा भाले के साथ, जिस पर एक व्हाइट टाइगर का झेंडा होता है। इसका मूवी के प्लॉट के साथ क्या समानता है हमें आगे समझेगा। 1870 के दशक के दौरान एलग्रिन एक डिसमिस्ड आर्मी ऑफिसर होता है, जो गुजारा करने के लिए मजबूरी में मनोरंजन के तौर पर स्टेज पर लोगों को अपने युद्ध की कहानी बताता है, कि कैसे बंदूक की मदद से उसने दुश्मनों से लड़ाई की, पर उसके रोज के शराब के आदत से परेशान होकर उसका मालिक उसे काम से फाइनली निकाल देता है, पर वहीं ना चाहते हुए भी उसे अपने पुराने कमांडिंग ऑफिसर कॉलोनल बैगली, जिससे वो बहुत नफरत करता है, उसका न्यू जॉब ऑफर स्वीकार कर लेता है। दरअसल कॉलोनल बैगली वही इंसान है जिसके वजह से एलग्रिन को रात भर नींद नहीं आती। बैगली ही वो इंसान है जिसने मासूम नेटिव अमेरिकन गांव वालों पर हमला का आदेश दिया था। बैगली जापानीज बिजनेसमैन उमुरा की तरफ से एलग्रिन को उनकी न्यू वेस्टर्न स्टाइल शाही आर्मी को ट्रेन करने के लिए जॉब ऑफर करता है। मिस्टर उमुरा उसे बताता है कि जापान काफी वेस्टर्न तरक्की से गुजर रहा है,
पर पुराने सभ्यता पर विश्वास करने वाले समुराई इस बदलाव से खुश नहीं है, इसलिए वो लोग उनके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं। ओमुरा ने एल्ग्रिन की शूटिंग कौशल के बारे में काफी सुना होता है और उसने उसकी जापानीज आदिवासी पर लिखित किताब कैप्टन एल्ग्रिन स्टडी ऑफ ट्राइब्स भी पढ़ी होती है। उसके अमेरिकन इंडियन से लड़ाई के अनुभव से प्रभावित होकर वो उसकी मदद चाहता है, क्योंकि ये काम एल्ग्रिन के लिए एकदम उचित होता है और उसे इस काम के लिए काफी अच्छे पैसे मिलने वाले होते हैं। वो ऑफर मंजूर कर लेता है, पर अंत में एल्ग्रिन बैगली को व्यक्त कर जाता है कि वो ये सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, पर अगर उसे मौका मिले तो वो उसके अपराध के लिए उसकी जान फ्री में ले सकता है। बैगली ओमुरा के साथ ये सौदा इसलिए करता है क्योंकि इससे अमेरिका को जापान से आर्थिक फायदा होने वाला होता है। बैगली के कमान में एल्ग्रिन अपने साथी सर्जेंट जेबुलन गैंट के साथ जापान पहुंचता है, जहां सबसे पहली उनकी मुलाकात साइमन ग्राहम से होती है, जो उसके लिए जापानीज भाषा को अनुवाद करेगा। एम्परर के नए आर्मी को देखने के बाद एल्ग्रिन को समझ आता है कि उनकी आर्मी जबरदस्ती में भर्ती किए किसान है, जिन्हें कभी फाइटिंग की ट्रेनिंग भी नहीं मिली, जिन्होंने कभी बंदूक तक नहीं पकड़ा। पर एल्ग्रिन अपनी पूरी कोशिश करता है उन्हें ट्रेन करने में, पर इससे पहले कि उनकी बेसिक ट्रेनिंग भी खत्म हो, समुराई का झुंड गांव के नजदीक रेल रोड पर हमला कर देता है। दरअसल रेल रोड का मालिक मिस्टर ओमुरा होता है और वो किसी भी हालत में अपना नुकसान नहीं देखना चाहता, इसीलिए बैगली के कमांड में एल्ग्रिन को आदेश देता है अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए, ताकि वो लोग समुराई के लीडर कोत्सुमोटो को रास्ते में घेर सके। पर एल्ग्रिन विरोध करता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सेना अभी भी तैयार नहीं है, पर बैगली फिर भी उसे मजबूर करता है। एल्ग्रिन अपनी बात को साबित करने के लिए इन एक्सपीरियंस सैनिकों में से एक को गन की नोक पर ब्लैकमेल करता है उसे शूट करने के लिए। यहाँ एक बहुत ही गंभीर सीन दिखाया है मूवी में। एल्ग्रिन अपनी जान खतरे में डालता है सिर्फ ये साबित करने के लिए सेना अभी भी तैयार नहीं है। सैनिक एल्ग्रिन के ब्लैकमेल के डर से शूट करता है, पर निशाना एल्ग्रिन से दूर लगता है, जिससे एल्ग्रिन अपनी बात को साबित कर देता है। पर फिर भी बैगली एल्ग्रिन की चिंता को खारिज करते हुए रेजिमेंट को हमले के लिए आदेश दे देता है। युद्ध होने से पहले बैगली लड़ाई के मैदान पर एल्ग्रिन को आदेश देता है रेजिमेंट के पीछे खड़े होने को, क्योंकि वो सिर्फ उनका ट्रेनर है, उसे खुद लड़ने की जरूरत नहीं है। रेजिमेंट का नेतृत्व उनका सीनियर ऑफिसर करेंगे, पर एल्ग्रिन को पता होता है कि उनकी सेना में कितनी काबिलियत है, इसलिए बैगली के बात को खारिज कर देता है और रेजिमेंट का कमांड ले लेता है। लड़ाई के दौरान एल्ग्रिन सेना को आदेश और उन्हें प्रोत्साहित करने की काफी कोशिश करता है, पर इसके बावजूद समुराई को अपनी तरफ आता देख सेना डर में फायर कर देती है और इससे सेना में डर से अफरा तफरी मच जाती है। सेना के पास बंदूक जरूर होती है, पर उस जमाने के बंदूकों को रिलोड होने पर काफी समय लगता था और तब तक समुराई की तलवार उन तक पहुंच जाती है। समुराई इनएक्सपीरियंस सेना को घेर लेते हैं और एक बड़ा भयानक लड़ाई का मंजर दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद बचे हुए शाही सेना डर के मारे भागने लगते हैं, पर एल्ग्रिन अपनी वफादार साथी गैंट के साथ अभी भी समुराई से एक टूटे हुए भाला के मदद से लड़ता रहता है, जिस पर समुराई योद्धा को दर्शाने वाला व्हाइट टाइगर से चित्रित झंडा लगा होता है। अंत में गैंट एक रेड मास समुराई हीरोतारो के हाथों मारा जाता है और एल्ग्रिन को भी छाती पर गहरी चोट लग जाती है। एल्ग्रिन अपने आखिरी शक्ति तक उस भाला की मदद से लड़ता रहता है। उस भाले के साथ एल्ग्रिन को लड़ता देख समुराई के लीडर कोत्सुमोटो को अपनी वही विजन के बारे में याद दिलाता है, जो उसने मूवी की शुरुआत में ध्यान करते वक्त महसूस किया था। ये घटना देखकर कोत्सुमोटो को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने अच्छाई और बुराई का एक अंश को देखा हो। अंत में हिरोतारो, जो कोत्सुमोटो का साला होता है, जख्मी एल्ग्रिन को मारने ही वाला होता है कि एल्ग्रिन नजदीक रखे भाले से उसे मार देता है। जब बाकी समुराई एल्ग्रिन को मारने ही वाले होते हैं कि कोत्सुमोटो उन्हें रोक देता है और एल्ग्रिन को अपना बंदी बनाकर अपने गांव ले जाता है, जहां एल्ग्रिन धीरे धीरे अपने घाव से रिकवर करता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसका ख्याल रखने वाली और कोई नहीं बल्कि हिरोतारो की पत्नी टाका और उसके दो बेटे हैं। ये जानकर उसे बहुत गिल्ट होने लगता है। शुरुआत में टाका को एल्ग्रिन से नफरत होती है क्योंकि वो उसके पति का हत्यारा होता है। क्योंकि समुराई हर चीज के पीछे के कारण को समझते हैं, कोत्सुमोटो उसे समझाता है कि एल्ग्रिन ने उसके पति की हत्या नहीं की, उसे अपने बचाव में हिरोतारो को मारना ही था, नहीं तो वो उसकी जान लेने वाला था। यही युद्ध का नियम है, हिरोतारो का हत्या नहीं बल्कि वो शहीद हुआ है। कोत्सुमोटो का टाका के लिए आदेश होता है उसे अपने घर पर उसका देखभाल और उस पर नजर बनाए रखने का। वो इसीलिए ऐसा करता है क्योंकि वो एल्ग्रिन के बारे में और जानना चाहता है। वो खुद एक एल्ग्रिन की तरह लेखक होता है और उसने एल्ग्रिन की लिखी किताब कैप्टन एल्ग्रिन स्टडी ऑफ ट्राइब्स को पढ़ लिया होता है।
जो उसे एलग्रन के झोले से मिलता है। उस किताब में एलग्रन ने जापानीज के पूर्वज आदिवासी के जीवन शैली के बारे में अपना अनुभव लिखा होता है। क्योंकि समुराय अपने पूर्वज सभ्यता को मानते हैं, वो एलग्रन से काफी प्रभावित हो जाता है और इसीलिए उसके अपने साले की हत्या के बावजूद उसे मारता नहीं है। उसे अपने विजन के अनुसार लगता है कि एलग्रन किसी भाग्य का निशान है। धीरे धीरे एलग्रन अपने शराब और रोज आने वाले बुरे सपने से उबर जाता है। समुराइस के साथ समय बिताने पर उसे उनके सरल जिंदगी और सभ्यता से लगाव होने लगता है और अपने इस अनुभव को किताब में लिखना शुरू करता है। उसे अब तक कभी इतनी शांति महसूस नहीं हुआ जो उसे यहाँ के लोगों में दिखाई देती है। एलग्रन समुराई की तलवारबाजी और उनका भाषा सीखने लगता है और इस तरह गाँव के लोगों के प्रति सम्मान प्राप्त कर लेता है। कात्सुमोटो का बेटा नोबुताड़ा और टाका के दो बेटी को भी एलग्रन से गहरा लगाव हो जाता है। अपने बच्चे के प्रति पिता जैसे लगाव देखकर टाका को एलग्रन के लिए रोमांटिक फीलिंग्स बनने लगते हैं। एक शाम जब गांव वाले एक नाटक का आनंद ले रहे थे, तब अचानक से निंजा असैसिन्स उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग अपने प्राइमरी टारगेट कात्सुमोटो को मारने ही वाले होते कि एलग्रन सभी को अटैक के बारे में अलार्म कर देता है। एलग्रन अपने सीखे समुराई तलवारबाजी से कई निंजास को मौत के घाट उतारते हुए कात्सुमोटो और टाका के बच्चों को बचा लेता है। अंत में समुराई निंजा को हरा देते हैं, पर इसमें कई गांव वालों की जान चली जाती है। एलग्रन के हिसाब से इस हमले के पीछे ओमुरा का ही हाथ है। कात्सुमोटो का सम्मान जीतने के बाद वो अब एलग्रन को अपना कैदी नहीं बल्कि दोस्त मानता है और इसीलिए उसे सही सलामत शहर छोड़ देता है। वापस लौटने पर एलग्रन को समझ आता है कि बैगली के कमांड में सेना और भी आधुनिक बना दी गई है, अमेरिका से आयात किए नए गन्स और तोपों के मदद से। ओमुरा एलग्रन को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है, इस बार सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि सेना को समुराई के विरुद्ध लड़ाई में कमांड करने का, पर एलग्रन ऑफर को पोलाइटली इनकार कर देता है। ओमुरा का प्लान इस बार होता है अपने नई सेना के साथ समुराई के विरुद्ध सीधे युद्ध में उतरने का। वहीं कात्सुमोटो अपने एम्परर मेजी, जो कभी उसका टीचर रहा करता था, उनसे मिलता है और उसे समुराई और जापान के लिए सही निर्णय लेने का निवेदन करता है। पर यहां उसे समझ आता है कि मेजी यंग होने के कारण एक एम्परर होकर भी खुद से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। लोग उसे अपना एम्परर तभी मानते हैं जब वो उनके हिसाब से चलते हैं। एम्परर मेजी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। एम्परर के काउंसिल के मीटिंग के दौरान ओमुरा के घोषित नए नियम के अनुसार तलवार को पब्लिकली नहीं रखने का आदेश कात्सुमोटो ये नियम नहीं मानता। तभी ओमुरा कमजोर एम्परर के तरफ से उसे अरेस्ट कर लेता है। वहीं बैगली से पता चलने पर कि कात्सुमोटो को अरेस्ट कर लिया गया है और उसे रात के अंधेरे में असैसिनेट कर दिया जाएगा, एलग्रन अपने कुछ समुराई साथी और ग्रैहम के मदद से कात्सुमोटो को कैद से छुड़ा ले जाता है। पर इसमें कात्सुमोटो का बेटा नोबुताड़ो शहीद हो जाता है। बाद में कात्सुमोटो को खबर मिलती है कि ओमुरा अपने 2000 सेना के साथ उन पर हमले के लिए बढ़ रहा है। वहीं कात्सुमोटो के सिर्फ 500 समुराई होते हैं और उसे लगने लगता है कि यही अंत है समुराई का। पर एलग्रन उसे एक थर्मोप्लाई के युद्ध के बारे में बताता है, जहां सिर्फ 300 ग्रीक सेना ने लाखों दुश्मन पर्शियन सेना को 3 दिन तक रोके रखा था। उन्होंने अपने इलाके का फायदा उठाते हुए दुश्मनों को हराया था। ठीक वैसा ही हमें भी अपने इलाके का फायदा उठाते हुए दुश्मन के तोपखानों के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहिए। युद्ध के दिन टाका फाइनली एलग्रन से अपना रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है और इसीलिए वो उसे अपने शहीद पति का समुराई कवच देती है। ये सीन मूवी में सबसे बेस्ट सीन में से एक है, क्योंकि यहाँ दोनों में लव का इमोशन बहुत ही शुद्ध और सुंदर तरीके से दर्शाया है। कात्सुमोटो भी उसे समुराई का तलवार कटाना भेंट देता है। युद्ध शुरू होने से पहले एलग्रन अपनी लिखित किताब ग्रैहम को देता है, ताकि वो उसके संदेश को लोगों तक पहुंचा सके। युद्ध के दौरान ओमुराई की सेना तोप से समुराई पर हमला करती है। अपने प्लान के अनुसार तोप से बचने के लिए ऊंचे पहाड़ की तरफ पीछे मुड़ जाते हैं। इस तरह तोप की गोली उन तक नहीं पहुंच पाती। ओमुराई क्रोध में बेकाबू होकर अपनी पूरी सेना को समुराई पर हमला करने का आदेश देता है। पर बैगली होशियार होता है, उसे पता होता है कि ये कोई जाल है, इसीलिए वो सेना को टुकड़ों में भेजता है। दुश्मन को बढ़ता देख उनके झुंड को तोड़ने के लिए समुराई जगह जगह आग लगा देते हैं और छुप कर उन पर घात लगाए बैठे होते हैं। जब दुश्मन पूरी तरह से उनके जाल में फंस जाता है, तभी एलग्रन और कात्सुमोटो अपने समुराइस के साथ उन पर अपनी तलवार और आर्चरी से हमला बोल देते हैं। अपनी सेना को हारता देख तुरंत दूसरे झुंड को हमले का आदेश दे देता है, पर समुराई का घुड़सवार उन्हें भी घेर लेते हैं।
दोनों में बहुत ही घमासान और दर्दनाक लड़ाई होती है। अंत में ओमुरा के बचे कुछ सेना हार मानकर पीछे लौट जाती है, पर वहीं समुराई के सिर्फ कुछ ही घुड़सवार बचे होते हैं। समझ आने पर कि अब हार निश्चित है, क्योंकि ओमुरा जल्द ही अपने दूसरे बटालियन से उन पर हमला करेगा। कात्सुमोटो और एलग्रेन अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला लेते हैं और अपने बचे हुए घुड़सवार के साथ पूरे जोश में हिम्मत से उन पर टूट पड़ते हैं। समुराइज को अपनी तरफ आता देख बैगली और उसकी सेना फायर शुरू कर देती है। इसी दौरान बैगली कात्सुमोटो को घायल कर देता है। वो उसे पूरी तरह मारने ही वाला होता है कि एलग्रेन अपने तलवार से उसे मार देता है और इस तरह वो अपना बदला भी ले लेता है। पर दुश्मन की सेना अपने न्यू ऑटोमेटिक गन के मदद से समुराइज पर भारी पड़ जाते हैं। समुराई को आखिरी दम तक फियरलेसली लड़ता देख दुश्मन की सेना की कैप्टन, जिसे कभी एलग्रेन ने ट्रेन किया था, ओमुरा के आदेश के बावजूद अपनी सेना को हमला करने से रोक देता है। जैपनीज समुराइज में कुछ कोड ऑफ ऑनर होते हैं, जिसे बोशीडो कहा जाता है। उसमें से एक ये होता है कि यदि समुराई युद्ध की हार या किसी भी शर्म को झेल नहीं सकता, तो वो खुद की जान ले लेता है या दूसरे समुराई के मदद से अपनी जान दे देता है, और इस प्रथा को सेपुकू कहा जाता है। कात्सुमोटो भी युद्ध में अपने हार के बाद आखिरी समय में जख्मी एलग्रेन के मदद से अपनी जान दे देता है। ये देखकर दुश्मन की सेना समुराइज को अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस युद्ध के बाद अब जापान में बस एक आखिरी समुराई बच जाता है और वो होता है एलग्रेन। इसीलिए मूवी का नाम द लास्ट समुराई रखा गया। बाद में यूएस एम्बेसडर एम्परर मेजी से नए हथियार का सौदा करने ही वाला होता है कि घायल एलग्रेन एम्परर को कात्सुमोटो की तलवार भेंट देता है उसकी याद में। इमोशन में उसे याद आता है कि कात्सुमोटो अपने जनता के लिए क्या चाहता था। फाइनली यंग एम्परर में हिम्मत आती है और वो रियलाइज करता है कि जहां जापान को मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना है, वहीं उसे अपने इतिहास, संस्कृति, पहचान और परंपरा को नहीं भूलना चाहिए, और इसीलिए एम्परर अमेरिका से सौदे को तोड़ देता है। ओमुरा एम्परर को ऐसा करने से रोकता है। तब एम्परर को समझ आता है कि ओमुरा सिर्फ अपने बिजनेस के फायदे के लिए ये सब कर रहा है। इसीलिए सजा के तौर पर ओमुरा के सारे संपत्ति को जब्त करके जनता में बांटने का आदेश देता है। ये ओमुरा को अपमानजनक लगता है और एम्परर के फैसले का विरोध करता है। इसीलिए एम्परर उसे वही कात्सुमोटो की तलवार ऑफर करते हैं कि यदि ये उसके लिए इतनी शर्म की बात है तो उसे सेपुकू कर लेना चाहिए। पर कायर ओमुरा सिर झुकाते हुए पीछे हट जाता है और फिर मूवी साइमन द्वारा कहानी बताते हुए एक आखिरी सीन के साथ खत्म हो जाती है, जहां एलग्रेन शांति की खोज में समुराई के गांव टाका के पास लौट आता है। ये मूवी सच में एक शानदार तरीके से बनाई गई है। मूवी में जब भी एलग्रेन और टाका के बीच प्योर रोमांटिक मोमेंट्स को दर्शाया है, वो सीन आपको मेस्मराइज यानी कि सम्मोहित कर देगा। अब तक मैंने काफी रोमांटिक मूवी देखी है, पर ये मेरा दूसरा सबसे पसंदीदा मूवीज में से एक है। मेरा पहला फेवरेट मूवी है द लेक हाउस। यदि आप ये मूवी को समझना चाहते हो तो मैंने इसे भी एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।